हेलो एवरीवन। तो आज मैं आईब्रो ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, जो कि स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आईब्रो किट जो यूज़ किया है वो मार्स का है। ये जेल आईलाइनर है, ये 2-in-1 था मेरे पास। एक आईलाइनर था और एक ऐसा ब्राउ जेल था, एंड इसे मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। तो ये इसका पैकेजिंग कुछ इस तरीके का रहा। हमेशा जब आप आईब्रो इस तरीके का जेल यूज़ करो तो ऐसे उल्टा रख देना, नहीं तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है। ये एक टिप्स था आप लोगों के लिए। ब्रश के लिए मैंने यहाँ पे एक एंगल ब्रश ले लिया है, जो कि मैं पूना स्टोर की 24 ब्रश किट से यूज़ कर रही हूँ। ये आप देखो, इसका थिकनेस है, बहुत ही बढ़िया ब्रश है आईब्रो के लिए। पहले मैं जो करने वाली हूँ, ऐसे आप प्रोडक्ट लेके बीच में से एकदम एंड तक एक लाइन बनाऊंगी, एंड उसके बाद ठीक ऊपर से और एक लाइन बनाऊंगी, एंड एक कोन होगा इसमें से। आप देखो ऐसा एक लाइन होगा, एंड दूसरा जो लाइन होगा और एक कोन होगा, जो कि एंड में जाके कोन हो जाएगा। एंड उसके बाद जो मैं करूंगी, स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक मेरा वो कोन का लाइन था वहाँ तक खींच दूंगी, एंड इसको हल्के हाथों से इसे ब्लेंड कर लूँगी, एंड ऊपर की तरफ से भी ऊपर के टिप्स तक मैं इसे ले जाऊँगी एंड इसे अटैच कर दूँगी। एंड उसके बाद इसका अंदर का जो आईब्रोज है उसको फिल कर दूँगी। मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हैवी लगेगा आई, एंड अच्छा नहीं लगता है। मतलब ज़्यादा हैवी आईब्रोज अच्छा नहीं लगता, वो नेचुरल नहीं लगते। अच्छा, ब्राउ बनाने के लिए ब्राउन कलर की ही जेल हो या फिर पाउडर हो, पाउडर बेस हो, मतलब ब्राउन ही आपको यूज़ करना है। अगर आप ब्लैक यूज़ करोगे तो वो बहुत अननेचुरल लगता है, बिल्कुल तो अच्छा नहीं देखो लगता। मेरा आईब्रोज ऑलरेडी मैंने बना लिया है। अभी मैं इसको जो करूँगी, इसके एजेस को शार्प करने वाली हूँ, ताकि ये आईब्रोज बहुत ही अच्छा लगे और नेचुरल दिखे। तो ऐसे ही मैं एक ब्रश लेके, कंसीलर लेके इसके चारों तरफ बहुत ही हल्के हाथों से सावधानी से इसे अप्लाई कर लूँगी, एंड इसके बाद इसे ब्लेंड आउट कर दूंगी। आप प्रोसेस देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ मैंने जो किया है, ब्रश को उल्टा कर लिया है, उल्टा करके ऊपर की तरफ से एक अच्छे से धीरे से एक लाइन क्रिएट करूँगी, एंड उसके बाद से ब्लेंड करूँगी। तो ये रहा मेरा आईब्रो ट्यूटोरियल। आई होप आप लोगों को मदद मिला होगा इस ट्यूटोरियल की मदद से, एंड आप भी खुद अपने आईब्रोज को इसी तरीके से बना पाओगे। आप देखो दोनों आईब्रोज के कितना डिफरेंस है, कितना लिफ्टेड लग रहा है मेरा आईब्रो दूसरे आईब्रो से। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी।